हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल परीक्षा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उड़ीसा का नवरंगपुर जिला पहले कोरापुट जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, जो इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला बनाता था। लेकिन सन 1991 में इसे विभाजित कर एक नया जिला घोषित कर दिया गया। अब नवरंगपुर उड़ीसा का एक प्रसिद्ध जिला है, जिसका अधिकांश भाग जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जिनकी कला संस्कृति पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज के इस नए वीडियो में हम इसी नवरंगपुर जिले की कुछ रोचक ऐतिहासिक और भौगोलिक बातें आपको बताएंगे, जो निश्चित तौर पर आपके ज्ञान को बढ़ाने के साथ ही आपको इस जिले की ओर और आकर्षित करेगी। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरंगपुर उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी इलाके में बसा हुआ समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जिला पूर्व में कालाहांडी और रायगढ़ से दक्षिण में कोरापुट और पश्चिम व उत्तर दिशा में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। यहाँ से बहने वाली इंद्रवती नदी इसे कोरापुट से अलग करती है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल 5294 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 1583.4 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्र वनों से भरा हुआ है। नवरंगपुर शहर जिले की राजधानी है और वर्तमान में यहाँ एक सब डिवीजन, 10 तहसील, 10 ब्लॉक, 169 ग्राम पंचायतें, एक NSC और 10 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। वहीं यहाँ रहने वाली आबादी की बात करें तो यहाँ कुल अनुमानित जनसंख्या 15 लाख के आसपास है। इस जिले की ज्यादातर आबादी में 10 से अधिक प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, जो नवरंगपुर जिले की शान मानी जाती हैं। नवरंगपुर जिले का लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1019 है। ये जिला एक हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ प्रमुख तौर पर उड़िया भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ भतरी, गोंडी, बंगाली, हिंदी और तेलुगु जैसी भाषाएं भी व्यापक रूप से बोली जाती हैं। नवरंगपुर जिले का उत्तरी पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रभावित है। अर्थव्यवस्था पर गौर करें तो यहाँ की ज्यादातर आबादी अपनी जीविका के लिए खेती और वन उत्पादों पर निर्भर है। लेकिन सिंचाई की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण ये जिला अधिकतर वर्षा के भरोसे ही अपनी आस लगाए रहता है। वैसे नवरंगपुर में लोहे, क्लोराइट, अभ्रक, कार्टेज आदि जैसे कई प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है, जो छोटे और मझले उद्योगों और व्यापार का जरिया भी है। यहाँ कई तरह के वाणिज्यिक केंद्र भी हैं, जो लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस जिले में ज्यादातर OD-24 नंबर प्लेट की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, जो जिले की एक तरह से पहचान मानी जाती हैं। ये जिला एक शांति प्रिय इलाका है। यहाँ की कला और संस्कृति में एक प्राचीन परंपरा देखने को मिलती है, जिसे मुख्य तौर से तत्कालीन कोरापुट जिले में प्रदर्शित किया गया था। यहाँ कई कारीगर, जो ज्यादातर नवरंगपुर शहर की एक गली में रहते हैं, सदियों पुरानी हस्तकला को आगे बढ़ाते हुए वो बक्से, खिलौने, छड़े, जंजीर, हिंदू देवी देवताओं के आसन, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ और अन्य सजावटी कृतियों का निर्माण करते हैं, जो क्षेत्र में अनुकरणीय शिल्प कौशल की गवाही देते हैं। इसके साथ ही डबुगांव क्षेत्र का कलाकृतियां, पापड़ा हंडी के पास टोंडा की मिट्टी की कलाकृतियां भी उत्तम शिल्प कौशल की गवाही देती हैं। नवरंगपुर में मनाए जाने वाले त्योहारों में मुंडई, रथ यात्रा और दुर्गा पूजा सबसे बड़े त्योहार हैं, जिसमें गाने बजाने के साथ ही आदिवासी लोक नृत्य की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जिला अपने उड़िया व्यंजनों और दक्षिण भारतीय जायकों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ दक्षिण भारतीय, गुजराती और राजस्थानी लोग काफी संख्या में रहते हैं, जिसके कारण खाने में भी आपको उनकी झलक देखने को मिलेगी। अब अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि ये जिला केवल सड़क मार्ग से ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। यहाँ भुवनेश्वर और नवरंगपुर के बीच उड़ान के लिए कोई सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। विशाखापट्टनम विमान क्षेत्र यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट है, जो नवरंगपुर से करीब 260 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें तो जयपुर और कोरापुट यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पहुँचने का सबसे आसान मार्ग सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 नवरंगपुर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। उड़ीसा और पड़ोसी राज्यों के अनेक शहरों से यहाँ के लिए नियमित बसें चलती रहती हैं। आप यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में माँ पेंद्रानी मंदिर, शहीद मीनार, खटीगुड़ा बांध, माँ भंडारा घरानी मंदिर, श्री नीलकंठेश्वर मंदिर, केलिया महादेव मंदिर, नवरंगपुर झील, भगवान जगन्नाथ मंदिर, अम्बापानी सेंचुरी और चंदनधारा घूम सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ के नजदीकी जिलों
कोरापुट, रायगढ़ और कालाहांडी की सैर भी कर सकते हैं, जो आपके सफर को और भी मजेदार बना देगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।